ये धारावाहिक साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत उपन्यास दीवारों से पार आकाश पर आधारित है। इसे धारावाहिक का रूप देने के लिए लेखक की अनुमति से इसमें कुछ जरूरी बदलाव किए गए हैं। समाज में स्त्री के अधिकार की आवाज बुलंद करते इस धारावाहिक के पात्रों का किसी भी जाति, समुदाय, भाषा या व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। आप तो कहीं जा रहे हैं क्या? रमेश बेटा, ये तेरी काकी और संजय जा रहे हैं दुबई। देखिए, कल के लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ, पर मेरी वजह से आप अपने आप को दुखी मत कीजिए। वसुधा, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज जाके अपना काम करो और मुझे माफ करो। सही क्या है, गलत क्या है, उस बात का पता तो चल जाएगा जब सारी बातें साफ हो जाएंगी। लेकिन फिलहाल तो मुझे ये लग रहा है कि जो मैं सोच रही हूँ वो सही है। Yeah, I can understand. But मेरी रिक्वेस्ट थी, अगर आप कुछ और दिन ये केस हैंडल कर लेते तो। Okay sir, thank you for everything. Bye. क्या हुआ जतिन? एक bad news है। क्या? वो एडवोकेट अजय सांघवी आपका केस नहीं लड़ेंगे। लेकिन उनकी तो आज ही वसुधा से बात हुई थी। नो, बट उन्हें आज ही दिल्ली किसी बड़े केस के लिए फ्लाई करना होगा। सो तो अब क्या करें? कुछ नहीं, You'll have to find someone else. तो क्या अजय सर हमें किसी अच्छे लॉयर का नाम रिकमेंड नहीं कर सकते? कर तो सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी उन्होंने हमारी इतनी मदद की है, और इतने बड़े वकील से ज्यादा फेवर लेना मुझे सही नहीं लगा, इसलिए मैंने नहीं पूछा। वो तो है, लेकिन तुम लोग टेंशन मत लो, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। और हाँ, वसुधा भाभी को भी इन्फॉर्म कर देना। जी, अभी कर देती हूँ। क्या हुआ? बस वैभव की याद आ गई। मतलब? अरे कुछ नहीं, वो वैभव उधर ही होंगी और भाभी बात नहीं कर पाएंगी, इसलिए एसएमएस कर देती हूँ। मैसेज पढ़ के वो खुद ही कांटेक्ट कर लेंगी। हाँ, ये सही है। अभी मैंने एसएमएस कर दिया है, भाभी एसएमएस पढ़ लेंगी तो खुद ही कांटेक्ट कर लेंगे। वो चंद्रकांत भाई जहाँ नौकरी करते हैं ना, नंदू भाई की कंपनी में? हाँ, वो नंदू भाई है ना, वो हमारे विमर्श को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। वो उन्होंने बताया। अरे मम्मी, आप खाने में क्या खाएंगे? मेवाड़ और कितना रुकने वाली है? अरे नहीं नहीं, मैं खाना खाकर नहीं जाऊंगी, मैं तो अभी जा रही हूँ। हाश सारुथियो। अरे नहीं नहीं मम्मी, खाना तो आपको खाकर ही जाना होगा, आप पहली बार हमारे घर आई हैं। अरे नहीं नहीं, मैं खाना खाने के लिए नहीं रुकूंगी, मैं तो अभी जा रही हूँ। मम्मी आप पहली बार आई हैं, अच्छा थोड़ा नाश्ता तो कर लीजिए। अच्छा ठीक है, उसी बहाने ललिता बहन से बात भी हो जाएगी, वैसे भी मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। हाँ बोलिए ना। आती हूँ। कहिए ना। मैं ना सबसे पहले तो चुटकी को लेकर आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। कोई बात नहीं निर्मला बहन, अभी छोटी है और वैसे भी इस उम्र में लड़कियां जज्बाती हो जाती हैं। मुझे उसकी बात का बुरा नहीं लगा। क्या है ना कि चुटकी वसु से बहुत प्यार करती है, और वसुधा ने भी बहन होने से ज्यादा माँ की तरह दोनों को प्यार किया है, इसलिए अगर वसु थोड़ी सी भी दुखी होती है ना, तो दोनों बहनें बहुत दुखी हो जाती है। तो हम भी किसी को दुखी नहीं देख सकते निर्मला बहन, और जहाँ तक वसुधा का सवाल है, मुझे समझ में नहीं आता कि वसुधा को हमारे घर में किस चीज की कमी है, और वसुधा को हर छूट छाट दी जाती है,
उसका जब मन करता है वो अपनी दोस्त से मिलने जाती है और जब मन करता है वो वापस आती है, तो फिर हमसे खुलकर बात क्यों नहीं करती वो? नहीं नहीं ऐसी बात तो नहीं है, वो क्या है ना नई नई शादी हुई है इसलिए शायद वो सबके साथ खुल नहीं पा रही है, वरना मैं वसुधा को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, वो कोई भी बात छिपा कर रखने वालों में से नहीं है। सारू जी अगर ऐसी बात है तो अच्छा है। ललिता जी मैं आपसे एक दरखास्त करना चाहती हूँ, मैं जानती हूँ कि आपने वसुधा को बहू नहीं बल्कि बेटी का दर्जा दिया है, जब कोई लड़की शादी करके किसी के घर जाती है अगर वो बहू बनकर रहती है तो उसे सब कुछ नए सिरे से सीखना पड़ता है, लेकिन वही लड़की अगर बेटी बनकर किसी के घर जाए तो वो बहुत आसानी से सबको अपना कर एक अपनेपन के साथ वहां जी सकती है। जो निर्मला बहन, हमने भी वसुधा को कभी ये बात महसूस नहीं होने दी कि वो बहू है या बेटी, हमारे घर में तो बहू हो या बेटी बनने सरखा। नहीं नहीं मैंने तुम्हारा पर पूरा भरोसा छे, पर क्या है बेटी की माँ हूं ना इससे हमेशा चिंता रहती है। शादी से पहले जब वसु बाहर से हमारे घर के अंदर कदम रखती थी ना तो एक उमंग एक ताजगी का अनुभव होता था, उस खिलखिलाती हुई वसुधा को देखकर हम हमारे सारे दुख दर्द भूल जाते थे। आज जब मैं वसु को देखती हूँ तो कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो पहले वाली वसुधा कहीं खो गई है। जो निर्मला बेन, एमा ये उच्छे ने कि हर घर की रीत रिवाज और परंपराएं अलग अलग होती है, हर औरत को खुद को उसमें ढालने के लिए अपने आप को और सामने वाले को थोड़ा समय देना ही पड़ता है, आ तो मानो छो ना तुम्हें। हाँ हाँ वो तो मैं मानती हूँ और मैं आपके बात से सहमत भी हूँ, और हाँ मुझे वसुधा की पढ़ाई के बारे में भी पूछना था। निर्मला बेन इस बारे में तो बात हो चुकी है ना, वसुधा को पढ़ाई करवानी है और हम करवाएंगे। हाँ लेकिन ललिता बहन आप चाहती है ना कि वसुधा पढ़े? चाहने ना चाहने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, वसुधा की पढ़ाई अधूरी रह गई है तो उसे खत्म करवानी है बस। हाँ ये तो मैं जानती हूँ, लेकिन मेरा ये कहना है कि आप वसुधा को प्राइवेट एग्जाम नहीं बल्कि कॉलेज जाने की परवानगी दे दीजिए। अरे हाँ मैं व्योमेश को फोन करके पूछती हूँ वो अभी तक पहुंचा क्यों नहीं। वो फोन नहीं उठा रहा है, रास्ते में होंगे। व्योमेश जल्दी आवी जा, पता नहीं और कितने सवाल पूछेगी तेरी सास मुझे। क्या हुआ? लगता है भाभी ने SMS नहीं पढ़ा होगा, एक काम करती हूँ फोन लगा लेती हूँ। फोन नहीं उठा रही, शायद बिजी होगी, फ्री होके खुद फोन कर लेगी। पता नहीं मुझे टेंशन हो रही है। उसमें टेंशन वाली क्या बात है? आज जतिन बता रहे थे कि सुबह जब वकील ने भाभी को फोन किया तो फैवा ने फोन उठाया था और बात नहीं हो पाई। अच्छा चलो छोड़ो, मुझे तो अनाप शनाप ख्याल आते ही रहते हैं। मुझे टुकुर टुकुर देख रहे हो? नहीं कुछ पूछना था तुमसे, तुम पहले से ही ऐसी हो या अभी अभी शादी के बाद ऐसी होगी? बहुत अच्छी, हम लड़कियां ना ऐसी ही होती हैं, हमें छोटी से छोटी चीज की चिंता होती है, तुम्हारी तरह नहीं, खाया पिया और सो गए। हाँ सही है, देखा सुना बेला दीदी का भी यही मानना है। ये जय श्री कृष्ण फैबा, जय श्री कृष्ण मामी। सॉरी आने में देर तो नहीं हुई ना? वो क्या है कि रास्ते में बहुत ट्रैफिक था इसलिए थोड़ी देर हो गई।
कोई बात नहीं। आप अकेली आई हैं? पापा जी नहीं आए? उनको कोई काम आ गया इसलिए नहीं आ पाए। वसुधा, व्योमेश आ गया है, उसे चाय नाश्ता देगी? अरे आप आ गए, आप क्या लेंगे? क्या लाऊं आपके लिए? नहीं अभी कुछ नहीं चाहिए। वसुधा ये तोहफे अपने कमरे में रख दो। जी मैम। काम कैसा चल रहा है बेटा? बस आपके आशीर्वाद से एकदम बढ़िया। एक्सक्यूज। हेलो। हाँ प्रकाश। नहीं मैंने वो सारी फाइल्स। बहुत काम होता है मेरे बेटे को। हाँ समझ सकती हूँ। ललिता बहन मैं अभी आई हूँ। भले भले। अब ये माँ बेटी अकेले में क्या खिचड़ी पकाने वाली है? वसुधा अपनी बेटी को गले मिलने का मौका तो मिला। कितनी अजीब बात है ना मम्मी, शादी के बाद एक माँ को अपनी बेटी से मिलने के लिए कितना सोचना पड़ता है। क्या हो गया तुझे? मम्मी आप इतनी परेशान क्यों हो रही हैं? मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तब मुझे माफ कर देना प्लीज मम्मी। छुटकी ने मुझे सब कुछ बता दिया। मम्मी ऐसा कुछ नहीं है, पहले आप शांत हो जाइए। वसुधा तुझे इस हालत में देख कर ना मैं बहुत ही परेशान हूँ। मम्मी सब कुछ ठीक है और आप देखिएगा मैं अपने आप को संभाल लूंगी। तेरी शादी के वक्त अगर मैंने आवाज उठाई होती तो आज तो ये परिस्थिति में ना होती। मम्मी छोड़े ना उन बातों को, जो हो गया सो हो गया, सब नसीब का खेल। नहीं बेटा, नसीब तो हमेशा मौका देता है ये तय करने का कि क्या सही है और क्या गलत। सिर्फ हम ये नहीं समझ पाते कि कब नसीब के भरोसे बैठे रहे और कब नहीं। शायद आप ठीक कह रही हैं मम्मी, लेकिन मुझे लगता है कि औरत का खुद का कोई नसीब ही नहीं होता, वो तो सिर्फ दूसरों के लिए और दूसरों के नसीब के लिए जीती है। यहाँ तक कि सही और गलत का फैसला भी एक औरत के लिए कोई और करता है, उसका अपना तो कोई अधिकार होता ही नहीं। औरत का हमारे समाज में सही में क्या अधिकार है ये तो मैं आज तक नहीं समझ पाई। तो फिर टेंशन किस बात की है मम्मी, जो हो गया सो हो गया, जब कुछ हमारे हाथ में है ही नहीं तो हम उसके बारे में सोचकर क्या करेंगे और क्या फायदा होगा? बेटा मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है कि तू इस समाज से अपने अधिकार हासिल करके रहेगी। उम्मीद तो है मम्मी, बस इंतजार है उस सुबह का जब मेरी उम्मीद एक नए सूरज की तरह मेरी जिंदगी में ऊर्जा भर देगी। बस बेटा तू हिम्मत मत हारना, और मैंने ना तेरी फैबा से तेरी पढ़ाई के बारे में बात कर ली है, तो देखना सब ठीक ही हो जाएगा। चल बेटा हमें वो निकलो। ओके बाय। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि वसुधा हमारे विरुद्ध अपने माता पिता को ऐसी कौन सी पट्टी पढ़ाती है कि वो मुझे इतनी कड़वी बातें सुनाकर चली गई। ठीक है हाफ एन आवर में मुझे फोन कर। ओके बाय। फैबा मम्मी जी कहाँ जा? सॉरी मम्मी जी मैं आपको ज्यादा वक्त नहीं दे पाया। कोई बात नहीं, काम पहले, मिलना जुलना तो होते रहता है। मम्मी जी अगर हो सके तो एक आध दिन के लिए और रुक जाइए ना।
नहीं, बस अभी वसु के पापा आते ही होंगे और मेरा घर पर रहना बहुत जरूरी है। क्या है, रूपल अपने काम में होती है, चुटकी अपने काम में, इसलिए मेरा घर पे होना जरूरी है। हाँ, ये बात तो साची। हाँ, और वैसे भी घर कहाँ दूर है, कभी भी आ जा सकती है ना बेवान जी? साची बात है, जरूर आविश, निकलती हूँ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मैं आती हूँ। नहीं रुक जा, जमाई जी आ गए हैं ना, मैं जाती हूँ। जय श्री कृष्ण। पूछो अपनी धर्म पत्नी से, वसुधा अंदर गई है। फिर से कुछ कहा उसने? ना बेटा, आज वसुधा की बारी नहीं थी। मतलब? पता नहीं मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है, जो कोई भी किसी भी वक्त आकर कुछ भी अनाप शनाप सुनाकर चला जाता है। पहले वसुधा की वो बहन चुटकी आकर सुना के चली गई, परेशान करके चली गई, और आज आज वसुधा की माँ खुद आकर मुझे कितनी कड़वी बातें सुना कर गई। मम्मी जी? हाँ, और हाँ बेटा, वो तुझसे मिलने नहीं आई थी, बल्कि अपनी बेटी की वकालत करने यहाँ आई थी। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि वसुधा हमारे विरुद्ध अपने माता पिता को ऐसी कौन सी पट्टी पढ़ाती है कि वो मुझे इतनी कड़वी बातें सुनाकर चली गई। बेटा, अगर वसुधा को कोई तकलीफ है तो हमें आकर साफ साफ क्यों नहीं बताती? ऐसे बात का ढिंढोरा पीटने से क्या फायदा, बताओ। हे मारा ठाकुर जी, आ उमरे हवे केवा दिवसो जोहा पड़शे मारे। थैंक यू सो मच मम्मी, इतने प्यारे गिफ्ट के लिए। पता नहीं मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है, जो कोई भी किसी भी वक्त आकर कुछ भी अनाप शनाप सुनाकर चला जाता है। पहले वसुधा की वो बहन चुटकी आकर सुना के चली गई, परेशान करके चली गई, और आज आज वसुधा की माँ खुद आकर मुझे कितनी कड़वी बातें सुना कर गई। वो तुझसे मिलने नहीं आई थी, बल्कि अपनी बेटी की वकालत करने यहाँ आई। क्या सच में वसुधा यहाँ खुश नहीं है? मैं तो बिल्कुल डर ही गई। हे भगवान, अब नया वकील इतनी जल्दी कहां से मिलेगा? शुद्ध हो व्योमेश बेटा। भाई बाप, वसुधा वकील हायर करना चाहती है। शू? रमेश, आपसे एक बात पूछनी थी। वो मुझे एक डाइवोर्स लॉयर से कांटेक्ट करना है, आप जानते हैं किसी को? हाँ,
कि आजकल के लोगों को डाइवोर्स लॉयर्स की कुछ ज्यादा ही जरूरत पड़ने लगी है ना। वैसे सच कहूं तो कोई नहीं चाहेगा कि उसे उसकी जिंदगी में डाइवोर्स लॉयर की जरूरत पड़े, पर हाँ जब पानी सर से ऊपर उठ जाता है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ता ही है ना। वाह, हमेशा लड़कियों को ही क्यों ऐसा महसूस होता है कि पानी सर से ऊपर जा रहा है? ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन सच कहूं तो हकीकत यही बयां कर रही है। जितने लोग उतनी हकीकत है, अब किसको सही माने और किसको गलत। सच कहूं विमर्श तो अब तक समाज औरतों को ही गलत ठहरा रहा था, शायद इसीलिए ये सारे कदम उठाने पड़े। पर कब तक, तुम ही बताओ कब तक औरत सिर्फ त्याग और बलिदान की जिंदगी जीती रहेगी? तो तुम्हें ऐसा लगता है कि ऐसे कदम उठाने से एक औरत को न्याय मिल जाता है? पता नहीं, पर औरत के मान और सम्मान को जो ठेस पहुंची है उससे बाहर निकलने में तो उसे आसानी होगी ना, और उसके बाद वो शांति से अपनी जिंदगी जी पाएगी। वसुधा, एक बात तो माननी पड़ेगी कि तुम कुछ ज्यादा ही समझदार हो। फ्यूमिश, कितनी अजीब बात है, औरत का समझदार होना भी इस समाज के लिए कितनी बड़ी चुनौती। व्योमेश बेटा, भाई बाप, वसुधा वकील हायर करना चाहती है। शू? हाँ फैबा, वसुधा ने अभी मुझसे वकील की बात की। हे भगवान, फिर तूने क्या कहा? मैं क्या कहता फैबा, वही सब कुछ बोल रही थी। पर फैबा, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि ये सब कुछ वो बेला के लिए कर रही हो? नहीं दिख रहा, मुझे तो नहीं लगता कि वो ये सब कुछ बेला के लिए कर रही हो। अगर वो बेला के लिए कर रही होती तो हमसे झूठ क्यों बोलती? कल तक हमें यही लग रहा था कि हमें भी कोई गलत फहमी हो सकती है, लेकिन नहीं, आज हमारा शक यकीन में बदलने जा रहा है। तो वसुधा मुझसे डिवोर्स चाहती है।